नवी मुंबई नेटवर्क। प्रभाग का चहुमुखी विकास यही है मेरा ध्यास। इस वृद्धवाकी को सार्थक करते हुए पूर्व नगर सेवक सूरज पाटिल ने एरोली के विधायक गणेश नायक और आयुक्त अभिजीत बांगर के समक्ष शिक्षा क्षेत्र से जुड़े दो प्रमुख मुद्दे उठाते हुए कुक्षित गांव में मनपा स्कूल को जूनियर कॉलेज में तब्दील करने और सारसुली स्कूल में CBSE बोर्ड की शिक्षा शुरू करने की मांग आयुक्त अभिजीत बांगर के समक्ष उजागर की। कहते हैं कि कल का सपना आज देखो। अपने इसी विजनरी सोच के साथ सूरज पाटिल ने अपने नगर सेवक के कार्यकाल के दौरान संघर्षों की पराकाष्ठा करते हुए नवी मुंबई के आम और आर्थिक दृष्टि से कमजोर विद्यार्थियों को शिक्षा का अधिकार देने के मकसद के साथ बेलापुर मतदार संघ में मात्र 84 बच्चों के साथ पहले अंग्रेजी माध्यम स्कूल की शुरुआत की। उनके इस पहल के बाद आज 84 से तकरीबन 1100 विद्यार्थियों की आगामी शिक्षा वंचित न रह जाए, उनके भविष्य को मद्देनजर रखते हुए सूरज पाटिल ने आयुक्त अभिजीत बांगर से इस स्कूल को जूनियर कॉलेज में तब्दील करने की मांग की है। नवी मुंबई महानगरपालिका ऐसे सिटी है जहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या, स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में जब मैं चुन के आया था, सभागृह में गुहार लगाई थी कि इंग्लिश मीडियम, मतलब गरीब के बच्चों को भी अच्छा शिक्षण मिलने के लिए इंग्लिश मीडियम चालू की जाए, जो कि तब की ज़रूरत थी। आज उसका जो मैंने डिमांड की थी, 84 बच्चे पढ़ रहे थे मराठी माध्यम में, पुरानी बिल्डिंग थी, नई बिल्डिंग की नींव रखी गई। आज फख्र से बोला जाता हो जा रहा है कि 84 बच्चों का स्कूल आज 1100 बच्चों में कन्वर्ट हो चुका है। 1100 गरीब बच्चों को आज इंग्लिश मीडियम पढ़ाने वाला वो स्कूल निश्चित तौर पे हमारा एक सक्सेसफुल, एक प्रभावशाली वहाँ पे निर्णय था। आज उसी निर्णय के लिए हम यहाँ पे वो जो 9th तक बच्चे पढ़ रहे, कल 10th में जाएंगे, उनके लिए शिक्षक वर्गों की पूर्तता, उनको लिए पाठ्य पुस्तक, जो भी सुविधा है उनकी पूर्तता हो, इसके लिए आज हमने आयुक्त साहब के सामने वो डिमांड रखी। कल का सपना आज देखो तो पूर्तता के लिए, दौड़म भागी के लिए वक्त मिलता है, तो इन्हीं बच्चों के लिए जब हम इंग्लिश मीडियम का सपना देख के पूर्तता कर चुके हैं, तब इन्हीं बच्चों के लिए जूनियर कॉलेज का भी सपना हमने आज सामने रखा है। निश्चित तौर पे आयुक्त आज सकारात्मक दिखे और आयुक्त साहब निश्चित तौर पे हमारी ये जो मांग है कि जूनियर कॉलेज का निर्माण शुरुआत कुक्षेत्र में की जाए, तो आने वाले कुछ दिनों में इसकी पहल होगी और कुक्षेत्र में जो स्कूल इंग्लिश मीडियम का जूनियर स्टैंडर्ड से स्टार्ट हुआ था, वो जूनियर कॉलेज के रूप में उसका आगे का चेहरा दिखाई देगा। सूरज पाटिल ने नवी मुंबई में CBSE स्कूल की संख्याओं को बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि सारसोले स्कूल में CBSE बोर्ड की शिक्षा शुरू की जाए। CBSE बोर्ड के स्कूल संजीव जी नायक साहब के विशेष मेहनत से चालू हुई है, जो कि कोपरखेरना और सीवुड्स में, इसको बढ़ाना जरूरी है। देखिए, कोई भी उपक्रम सीमित नहीं रखना जाता, सीमित रखने से वो उपक्रम घटता जाता है, बढ़ता नहीं है। तो इसको बढ़ाने के लिए सारसोला जो सेंटर प्लेस है, फेस्टू में सभी सेक्टर के लिए सेंटर प्लेस है, तो सारसोला गांव की जो स्कूल है हमारी, वहाँ पे CBSE बोर्ड की स्कूल चालू की जाए, ऐसे आज मैंने डिमांड रखी है। निश्चित शिक्षण क्षेत्र में आगे आने वाला हमारा विद्यार्थी, ये आने वाले कॉम्पिटिशन में कहीं कम ना रहे। देखिए, नवी मुंबई की पहचान अलग है और निश्चित तौर पे ये विद्यार्थी कल नवी मुंबई का भविष्य बनने वाले हैं, और इनके लिए जो आज हम कर रहे हैं, ये नींव रख रहे, निश्चित तौर पे नवी मुंबई का भविष्य उजागर रहेगा, यही सोच हमने आज रखी। एक तरफ मुंबई में जहां सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या घटती जा रही है, वहीं नवी मुंबई में लगातार शिक्षा का दर्जा और बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके लिए सूरज पाटिल ने एरोली के विधायक गणेश नायक की विजनरी सोच और संदीप नायक के स्कूल विजन को मील का पत्थर करार दिया। मैं कुछ लोगों के लिए डिमांड करता हूँ, तो मेरे नेता आदरणीय गणेश नायक साहब का विचार उसमें झलकता है कि झगड़ो लड़ो लोगों के हक के लिए और उन पिछड़े वर्ग के लिए जिनका अधिकार उनको नहीं मिल रहा है। तो निश्चित तौर में शिक्षण क्षेत्र का यह उनकी सोच है। विजनरी मैन जिसको हम कहते हैं, संदीप नाइक, इन्होंने विजन रखा था शिक्षा अभियान का कि नवी मुंबई क्षेत्र में अच्छे स्कूल हो। विजन, शिक्षण विजन, शिक्षा विजन जो बोला जाता था, उसको मद्देनज़र रखते हुए इंग्लिश मीडियम चालू हुई थी। देखिए, तब बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था कि
राज्य शासन इसके लिए फंड नहीं देता। पर गणेश नायक साहब का वर्ड आज भी मुझे याद है, नवी मुंबई महानगर पालिका का 100 करोड़ भी खत्म हो जाए तो भी चलेगा, पर विद्यार्थी मतलब कल का भविष्य अच्छा बनना चाहिए। आज पूरे देश भर में वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन में मेरा नवी मुंबई का बच्चा कहीं पीछे ना रहे, इसके लिए इंग्लिश मीडियम CBSE पूरा फ्री है, स्कूल एजुकेशन ये किया गया है। आने वाले दौर में जूनियर कॉलेज की मैंने डिमांड रखी है, निश्चित गणेश नायक साहब ने आगे जाके सीनियर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, अभियांत्रिकी कॉलेज, इसके लिए भी सोच आयुक्त साहब के सामने हमेशा रखी है। सूरज पाटिल की मांग पर आयुक्त ने सकारात्मक संकेत के बाद अब निश्चित विद्यार्थियों को जरूर बड़ी दिलासा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।